हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, कि मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को क्या बांध पाएगी ये मुसीबत की जंजीरें, कि कदमों को क्या बांध पाएगी ये मुसीबत की जंजीरें। रास्ते से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मैना डेढ़ महीना में दौड़ होने वाली है आपकी, यानी कि मैना भर को टाइम, डेढ़ महीना को टाइम आप मान सको। छोटी सी परेशानी आओगी दौड़ के टाइम पर, अगर आप रोड पे दौड़ कर रहे हो या भारी शूज से दौड़ कर रहे हो तो छोटी सी दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, सेनबोन की प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। हो सकता है पहली बार सुन रहे हो ये शब्द, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं की हाँ, मैं यह प्रॉब्लम से गुजरे हुए हैं और मैं खुद 15 दिन के लिए ब्लॉक हो गया, यानी कि दौड़ ही नहीं कर पाए। और ट्रेनिंग टाइम पे तो यूं मानो कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। सबसे ज्यादा परेशानी सेनबोन की हुई, कहीं हो गई सेनबोन। तो सेनबोन की प्रॉब्लम है कि सबसे मेन बात तो है कि आप गलत शूज यूज कर रहे हो, भारी शूज यूज कर रहे हो, तो पाओं पे टखना वाली नसा है अपने बस सूज जाओ, यानी कि टकने वाली नसा सूज जाओ। दो कारण से सूजे, पहलो कारण कहीं हो, यानी कि पहला कारण होता है आप भारी सूज यूज कर रहे हो, और दूसरा कारण होता है आप यानी कि सड़क पे दौड़ करो तो आपके पाओं के अंदर यानी कि लग रही है, यानी कि आपके पाँव थूक रहे हैं। जैसे अपन किसी भी भारी पत्थर पे सड़क पे दौड़ करते हैं तो अपने पाँव थूकते हैं वहां पे, तो ये प्रॉब्लम होगी जब जब या तो आप सड़क पे दौड़ करोगे या फिर आप भारी सूज का यूज करोगे। तो सबसे मेन चीज को ध्यान रखना है, सड़क पर दौड़ कोनी करनी है, सेनबोन की प्रॉब्लम होगी 15-20 दिन के लिए दूर ही कौन कर पाऊंगा। तो सड़क पे दौड़ ना करना और भारी सूजन यूज ना करना है। डिहाइड्रेशन यानी कि गर्मी को टाइम चल रहा है, गर्मी को टाइम चल रहा है तो सबने ध्यान है पानी शरीर से यानी कि पसीना के रूप में निकल जाओ पूरा पानी, बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाओ, बिल्कुल एनर्जी कम रहे। तो डिहाइड्रेशन को मतलब ग्लूकोन डी साथ में रखता है और बिना पीओ, यानी कि ग्लूकोन डी पीओ, ज्यादा से ज्यादा पानी पीओ। अगर ग्लूकोन डी भी पोने जा सको तो ज्यादा से ज्यादा पानी पर विशेष फोकस रखो, क्योंकि आप रनिंग करा तो मालूम है कपड़ा बिल्कुल निचोलो, बिल्कुल निचोलो, एक तो पसीनो निकल जाओ बॉडी से। तो डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाओगे तो चक्कर आने लग जाओ आपने, यानी कि रनिंग कौन कर पाना, फिर आपने चक्कर आने लग जाओ और बीच में गिरबा की संभावना रहो। तो डिहाइड्रेशन से भी बचना है, ज्यादा से ज्यादा पानी को यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोन डी को यूज करना है। यानी कि सेनबोन की परेशानी आप में भारी सूज से हो सके है और सड़क पर दौड़ कर बस हो सके, तो आपने खेता में दौड़ करो या जो बच्चों रास्ते भी में दौड़ करो, और हो सके तो गोल्ड सर्किल में ही दौड़ करो, क्योंकि आपने जो अभी दौड़ करवासी फिजिकल ग्राउंड होगा वो गोल्ड सर्किल में दौड़ करवा होगा, तो जितनी संभावना हो सके उतनी गोल्ड सर्किल में ही आप दौड़ करो। और जो भाई बहन आ सके है वो फिजिकल ग्राउंड में ही मेरे साथ दौड़ करे, मैं माने फिल्म में कमांडो सर के साथ आपने दौड़ करवाऊंगा, लेकिन बात अनाउंसमेंट में बाद में कर सू, जब आपकी यानी कि आंसर की आ जाओगी, आंसर की के बाद में आपका एवरेज स्कोर कितना बैठ रहे हो, एवरेज स्कोर ने देख कर फिर कुछ बच्चा ने बुलावा को प्लान है भाई बिगर वहां का इतना नंबर बैठ रहा है तो वह फ्री फिजिकल के लिए आ सके है। दोनों परेशानी ना आनी चाहिए, अगर परेशानी आ गई तो फिजिकल पास को नहीं हो, फिजिकल पास होगा के बाद में हाई प्रोबेबिलिटी रहे कि यानी कि आप फिजिकल पास करने बाद में 2 गुना स्टूडेंट में पहुंच जाओ, यानी कि 2 बच्चा में से या 3 बच्चा में से एक बच्चा को सिलेक्शन कर लियो जाओ। तो संभावना यही करो, एक भी गलती नहीं करनी है, कुछ छोटी छोटी मेजर गलतियां हैं उनके भी बारे में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही तो कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।